हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, बच्चों के पलने के लिए डोरी बनाई है हमने। हमने खिलौने सारे अपलोड कर दिए हैं। देखिए, ये वाला एलिफेंट है, सन है और ये माउस है। तो सारी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है खिलौने की। बहुत सारे खिलौने लगाए हैं पूरी डोरी में, तो मैं आपको धीरे धीरे से दिखाती जाऊंगी पूरी डोरी में। आपको हो सके तो वीडियो के एंड में बता दूंगी, और ये सब किस तरह से बनाया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ खिलौने के वीडियो अपलोड हुए हैं। देखिए, ये जो हम पलने के साथ अटैच करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर लॉक बनाया है, और ये वाले बेल बनाए हैं हमने। इसके नीचे इसकी सारी नोट चली जाती है तो पता भी नहीं चलता। देखिए, नोट दिखाई भी नहीं देती। और तीन तीन हमने अटैच किए हैं थोड़े थोड़े से गैप में, और बीच में ये वाला छोटा सा हमने छाता बनाया था वो लगाया है, अम्ब्रेला। तो इन सभी खिलौने जो दिखाई देते हैं, इन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, सारे खिलौने, ग्रेप्स, पैर, कद्दू, तो थोड़े थोड़े से गैप में हमने तीन तीन लगाए हैं। मैं आपको पूरी डोरी फटाफट से दिखा देती हूँ। पपीता है, कैप्सिकम है, गार्लिक है, फिर से बीच में थोड़ी सी जगह आती है वहाँ पर हमने अम्ब्रेला लगाया है। तो इस तरह से हमने तीन तीन चीज़ें लगाई है। इस तरह से पांच बार लगाई है हमने, बीच में पांच बार, एक बार ऊपर, छः, और कंप्लीट होने के बाद नीचे की ओर हमने जो मेपल लीफ बनाई थी, मेपल के पत्ते बनाए थे। देखिए, ये वाला लगाया है, फिर से छाता, और फिर से एंड में, डोरी के एंड में हमने ये वाला अलग अलग छह कलर में ये वाला मेपल का पत्ता लगाया है। देखिए इस तरह से, तो ये है डोरी का एंड। तो इस तरह से हमने पूरी डोरी बनाई है। तो पहले तो हम ये डोरी बनाना सीखेंगे। ये डोरी हमने किस तरह से बनाई है, पहले इसका वीडियो अपलोड किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि इसमें कितना धागा लेंगे तो कितनी डोरी बनेगी, ये सब हमको पूछते थे। तो इसलिए हमने दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो हम दूसरी बार बनाएंगे। और इसमें ये देखिए, धागे हमें इस तरह से लेने हैं। देखिए, ये आठ आठ धागे हैं। आप चाहे इतने धागे ले सकते हैं, और आप फूल के हिसाब से भी ले सकते हैं। आपकी येलो फूल है वो बड़ी है, चाड़ी है थोड़ी सी, और ये वाली पतली है, तो आप पतली वाली का धागा ज़्यादा लीजिए और इसका दो कम लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपकी वूल सेम है तो दोनों धागे सेम ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने दोनों आठ आठ धागे लिए हैं, और इसे हमने मोड़ा है। देखिए, हर वक्त आगे जाके फिर से मोड़ा है। तो इस तरह से एक एक साइड हमारी इस तरह की लॉक वाली आएगी, और ये इसकी जो एंड वाली साइज़ है, देखिए इसमें हमारे खुले हुए हिस्से भी आएंगे। देखिए, इस तरह से भी आएंगे, और एक साइड हमारी लॉक वाली आएगी। हम छः, चार, आठ इस तरह से धागे लेंगे तो एक साइड हमारी लॉक वाली आएगी। तो इस तरह से हमने मोड़ करके धागे, आठ आठ धागे लिए हैं। और अगर आपको ढाई मीटर की डोरी बनानी है, सॉरी, साढ़े तीन मीटर की डोरी बनानी है, साढ़े तीन सवा तीन मीटर के आसपास बनेगी, अगर आप ये वाला धागा 11 मीटर लेंगे, इसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर होनी चाहिए, तो आपकी जो डोरी है वो साढ़े तीन सवा इंच के आसपास बनेगी। और फिर आपके हाथ के मुताबिक इसका डिपेंड रहता है कि आपने किस तरह से लूज़ बनाई है या टाइट बनाई है। तो आपको 11 मीटर लंबा ये आठ आठ धागा लेना पड़ेगा। और अगर इसी ये जो लॉक वाला हिस्सा नहीं है आपका, और अगर आपको ये वाली डोरी बनानी है, तो किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि आपके पास बची हुई वूल है, सारे कलर की थोड़ी थोड़ी सी है, तो भी आप ये डोरी बना सकते हैं। बिना खिलौने लगाए भी प्लेन डोरी भी बना सकते हैं आप। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं बता दूंगी। अभी तो फ़िलहाल हम इस लॉक के साइड से स्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं बता दूं। तो देखिए, पास से इस तरह से, ये जो दोनों है हमारे, इसके अंदर से, येलो के अंदर से हम इस तरह से रेड को निकाल देंगे। देखिए, रेड वाला है, इसके अंदर से ये वाले सारे धागे
निकाल देंगे ऐसे नीचे से, इस तरह से सारे धागे हम निकाल देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर खींच के टाइट कर लेंगे। तो ये दोनों जॉइंट हो गया और अब हम इस तरह से उंगली पे लेंगे धागा और इसके नीचे से येलो के नीचे से रेड को निकालेंगे। इस तरह से रेड को निकाल दिया, फिर इस वाले अंगूठे से हम पकड़ लेंगे, इस वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर से रेड में से उंगली को निकाल करके येलो को बाहर निकालेंगे ऐसे, फिर से यहाँ पर पकड़ने का हम इस साइड ले लेंगे, फिर रेड को खींच देंगे, फिर से येलो के बीच में से रेड को निकालेंगे, फिर से इस हाथ से पकड़ लेंगे और येलो को खींच देंगे, सॉरी फिर से येलो को खींच लेना है, सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ऐसे करके रेड में से येलो को निकालना है इस तरह से, फिर से येलो में से उंगली को डाल करके रेड को निकालेंगे, फिर से येलो को खींच देंगे इस तरह से, फिर से रेड में से येलो को निकालेंगे और रेड को खींच देंगे। इसी तरह से हमें करते जाना है। जब ये वाला येलो वाला निकालेंगे तब रेड वाला खींच देंगे, जब रेड वाला इसमें से निकालेंगे तब येलो वाला खींच देंगे। तो इसी तरह से हमें डोरी बनानी है। देखिए आप थोड़ी देर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप एक कलर से भी बना सकते हैं लेकिन आपको पता चले साफ दिखाई दे, इसलिए हमने दो कलर यूज़ किए हैं। देखिए इस तरह से आप धीरे से देखेंगे एक बार तो फिर आपको पता चल जाएगा इस तरह से। देखिए डोरी हमारी इस तरह की दिखेगी। तो इसी तरह से हम डोरी को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों का हमारा सेम खींचना रहे वो आपको देखना है, ताकि हमारा धागा फिर भी थोड़ा सा, हम डोरी कंप्लीट होने के बाद हमने सेम ही लिए है फिर भी थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, क्योंकि हमारा दोनों हाथ सेम नहीं चलता है, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। देखिए बहुत ही प्यारी डोरी बनेगी, इस तरह की लगेगी ये। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से इसे और अब हम ये जो हमने लॉक वाले साइड से स्टार्ट किया था, तो अगर लॉक नहीं है तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ताकि कि नॉट लगा करके भी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस डोरी को यहाँ से खोलना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरह से दोनों को खींचेंगे तो बड़े आराम से ये खुल जाएगी। सिर्फ आपको ये वाली जो नॉट लगाई थी हमने यही खोलनी है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो हो साइड में लॉक नहीं होता है वहाँ पर से हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे हमने इसमें से निकाल दिया और अब हमारा जो साइड था ये वाला साइड,
इसमें हमारा पूरा लॉक नहीं है। देखिए दो धागे इसी तरह से खुले हुए भी आते हैं, पूरा लॉक नहीं है। देखिए तो यहाँ पर से हम सारे धागे ये लेंगे और सारे धागे ये वाले, फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर धागा खुला छोड़ करके भी नॉट लगा सकते हैं, ताकि आखिरी वाला हिस्सा हमारा इसी तरह से खुला रह जाए। या तो आप इसमें थोड़ा और ज़्यादा धागा छोड़ दे, फिर बाद में इसकी दो दो तीन तीन धागे लेकर के चोटी बना ले, तो भी नीचे वाला हिस्सा जो है, जो हमने यहाँ पर मेपल के लीफ लगाए हैं, इस तरह से आप यहाँ पर बेल लगा दीजिए और ये वाले सारे धागे खुले हो जाएंगे। या तो आप छोटी बना दीजिए इसकी, तो वैसे भी चलेगा। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, और नॉट लगाने के बाद इस तरह से फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे नॉट लगा दी, फिर जैसे हमने वो वाला स्टार्ट किया था इसी तरह से, पहले हमने देखिए इस तरह से रेड के नीचे से येलो को निकाला, फिर येलो के अंदर से रेड को, फिर येलो को खींच देंगे, फिर से इसके अंदर से इसको निकालेंगे ऐसे, फिर से रेड के अंदर से येलो को ऐसे। इसी तरह से सेम बनेगी हमारी जैसे हमने पहले बनाई थी, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर नॉट लगाई है वो पहले हमारे लॉक थे। तो इसी तरह से एक दूसरे के अंदर से निकालते जाएंगे और यहाँ से खींचते जाएंगे ऐसे। जब रेड को उंगली में ले लेंगे तब येलो को छोड़ देंगे, जब येलो को ले लेंगे तब रेड को छोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये हमारी डोरी बनती जाएगी। और अब हम जब ये वाली डोरी कंप्लीट कर ले, तब हमने ऊपर जो पल्ले के साथ अटैच करने के लिए लॉक बनाया है वो किस तरह से बनाया है वो हम देख लेंगे। देखिए इस तरह से वैसे इस तरह देखिए डोरी हमारी बहुत ही प्यारी बनती है। और जब हमारी डोरी कंप्लीट हो जाए तब ये जो हमारे उंगली में धागा रहता है वो वाला धागा हम इस तरह से खींच लेंगे, पूरा निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके पूरा निकाल देंगे। जब हमारी डोरी कंप्लीट हो जाए तब देखिए इस तरह से कर देंगे और फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो जो डोरी में हमें खिलौने लगाने हैं वो वाली डोरी हमने बना करके रेडी रखी है, तो मैं इसमें आपको नॉट लगाना बता दूंगी। लेकिन पहले हमें इस तरह से कर लेना है, जो धागा हमारा उंगली में होता है इसे हमने जैसे निकाल दिया वैसे हम निकाल देंगे। तो देखिए डोरी बना करके हमने रेडी रखी है पिंक वाली, तो इसमें हमने धागा इस तरह से निकाल दिया है जैसे मैंने अभी दिखाया, इसी तरह से धागा निकाल करके रेडी रखा है। तो इस धागे की अब हम नॉट लगा देंगे ऐसे। डोरी कंप्लीट हो जाए इसके बाद एक बार हमने नॉट लगा दी, और मैंने बोला था इसी तरह से होता है। देखिए ये पिंक वाला जो है वो कम बचा है हमारा, और ये वाला ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसमें से हम लॉक बनाएंगे, जो लॉक हमने यहाँ पर बताया था पलने के साथ अटैच करने के लिए ये वाला लॉक बनाएंगे। तो जो वाला धागा हमारा ज़्यादा है इसमें से हम लॉक बनाएंगे, तो इसे हमने क्रोशिए से चेन ही बनाई है। तो देखिए अब हम लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने ये वाला जो पिंक है वो एकदम से हमारी वूल पतली थी, तो वो वाले धागे हमने 10 लिए थे और ये वाले धागे हमने 8 लिए थे। तो इस वाले 4 को भी हमने इस साइड कर दिया है, इसमें से हम 6 ही यूज़ करेंगे, 3 लॉक बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर से दो दो धागे साथ में लेंगे। देखिए इस तरह से दो धागे हमने ले लिए, और अब हम यहाँ से क्रोशे को डालेंगे। देखिए पास से देखिए इस तरह से क्रोशे को डाल करके यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे चेन बनाना ऐसे। 1 2
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। तो देखिए हमने 42 चेन बनाई है, गिन करके बनानी है क्योंकि बाद में भी अभी हमारे दो लोग बनेंगे। तो 42 चेन बनाने के बाद यहीं पर ही जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, इसी के अंदर डाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और जो धागा है इसे हम खींच करके निकाल देंगे। जो भी हमारा धागा बचा था इसे हमने इस साइड कर दिया। फिर से इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही वहीं पर ही डाल करके फिर से 42 चेन बनाएंगे। 42 दो तीन चार पाँच। तो देखिए फिर से हमने 42 चेन बना ली है और इसे भी हम यहाँ पर जैसे हमने पहले जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके इसे भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। और इसका भी धागा बचा है इसे हम निकाल देंगे और इस साइड कर देंगे। फिर से यहाँ से हम तीसरा स्टार्ट करेंगे। दो हमारा बन गया, अब हमारा यहाँ पर से तीसरा स्टार्ट होगा इसी जगह से। ऐसे तो फिर से 42 चेन बना लेंगे। तो फिर से हमने 42 चेन बना लिया है और इसे भी हम इसी जगह पर जॉइंट कर देंगे जहाँ पर हमने पहला वाला किया था और इस धागे को भी निकाल देंगे इस तरह से। और अब जो हमारे सारे धागे यहाँ पर बचे हुए हैं इससे हमें यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा देनी है इसके ऊपर। देखिए लॉक तो हमारा बन करके रेडी हो गया इस तरह से देखिए। और अब हमें ये जो हमारे धागे हैं इसी से ही हमें इसके ऊपर देखिए ये हमारे बचे हुए धागे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम जो बड़ा है इसे रखेंगे, चार धागे हमने रखे हैं नॉट लगाने के लिए, बाकी के हम इसके नीचे जाने देंगे यहाँ पर। तो चार धागे जो हमारे बड़े थे वो हमने रख लिए हैं। तो इसके साथ ही हम इसे यहाँ पर देखिए इस तरह से दो धागे लेंगे, पहले तो दो रहने देंगे इस तरह से, दो लिया है हमने। आपको ज़्यादा दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर किया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास सामने से कोई पकड़ने वाला होगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली बनाती हूँ तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा धीरे धीरे से, ऐसे करके। देखिए इस वाले दो धागे को हम यहाँ से लपेटना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, गोल गोल घुमा करके हम इसके ऊपर लपेट देंगे इस तरह से। एकदम से टाइट आपको लपेटना है ऐसे करके। फिर जो हमने दो और रखे थे उस धागे को भी हम लपेटना स्टार्ट करेंगे। सामने के साइड से लपेटेंगे ताकि इसकी नोट भी दोनों की लगा पाए हम बीच बीच में इस तरह से। यहाँ पर एक बार नोट लगा देंगे दोनों धागे की इस तरह से, अच्छे से टाइट करना है हमें। नोट लगा दी मैंने यहाँ पर, एक दो बार लगा देंगे
दो बार लगा दी है। फिर से हम लपेटना स्टार्ट करेंगे और इस वाले धागे को ना यहाँ पर तक हम साथ ले लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से मोड़ करके एक बार इसके ऊपर भी धागे लपेटेंगे, फिर इस धागे को काटेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे, पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लपेट देंगे और देखिए इस तरह से दोनों साइड से लपेटते जाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को मोड़ देंगे इस साइड, फिर से इसके ऊपर से लपेटेंगे। तो ये वाले धागे भी हमारे निकल ना पाए इसलिए इसके ऊपर फिर से लपेट देंगे। अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरह से फिर से दोनों धागे की एक बार नॉट लगा देंगे। तो ऐसे करते करते आप पक्का कर लीजिए एकदम से अच्छे से। फिर से नॉट लगा दूं ऐसे। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और फिर से ये जो हमारे धागे बचे हैं इतने हम पूरे लपेट देंगे। इसी तरह से लपेटते जाएंगे और बीच बीच में नॉट लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने नॉट लगा ली है और फिर नॉट बाद में ज़्यादा लगाई है क्योंकि ये खुल ना जाए वॉश करने पर भी, तो बाद में हमने नॉटें लगा दी है धागा लपेट करके। तो डोरी कंप्लीट हो गई है और इसके ऊपर ये वाला बेल आ जाएगा तो इसके बाद दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ पर हमारी नॉट है। देखिए ये वाला बेल आ जाएगा तो यहाँ पर नॉटें हमारी दिखाई नहीं देगी और इसके ऊपर ये वाले जो खिलौने हैं वो वाले अटैच हो जाएंगे तो नॉटें हमारी कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। देखिए ये वाली डोरी हमने 2.5 मीटर बनाई है तो इसके लिए आपको 11 मीटर धागा लंबा लेना पड़ेगा। देखिए ये वाली यहाँ पर हमने लॉक से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगानी पड़ी। तो इस तरह से हमने ये वाली डोरी बना करके रेडी कर दी है। तो आप आगे की वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये वाले फ्लावर जो हमने बनाए हैं बेल की तरह, तो वो वाले अगले वीडियो में हम बना देंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।